नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता अध्याय 6 और उसके महात्म्य के विषय में। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, 6 अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में 2 हंस उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला खड़ा हो गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला खड़ा हुआ है, क्या तू राजा जनश्रुति के आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयत मुनि श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोग स्वर्ग से ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार के कहा कि उसका दर्शन करेंगे। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को परसा। वहां से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्य आत्मा रह रहे हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चला, देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयत मुनि ही होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू 4 धाम का प्रसन्नहार धर्म के साधनाहार है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसने बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रैयत मुनि ने गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब वह भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। तो हे लक्ष्मी, ये था भगवद गीता अध्याय 6 और उसके महात्म्य की कथा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिए। जय श्री कृष्णा।